नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी साथी मेरे केवल 10th पास हैं, आईटीआई नहीं किए हैं, उनके लिए रेलवे के सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जो साथी मेरे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए, आरआरबी पटना के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है कि जो लोग 10th पास है, आईटीआई नहीं किए हैं, ये अपडेट उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप रेलवे में सिलेक्शन 2024 में पाना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से मजबूत करना होगा। कौन कौन सा? मैथ, रीजनिंग और साइंस जीके जीएस। तो मैथ के लिए आप क्या कीजिए, रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन का सोल्व पेपर ले लीजिए प्रीवियस ईयर, इसको लगा जाइए। साथ में आप किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर ले लीजिए और ये सार संग्रह किरण पब्लिकेशन का दिखाई दे रहे 3 बुक ले लीजिए, रेलवे के लिए सबसे रामबाण साबित होगा। देखिए, आरआरबी पटना के चेयरमैन के द्वारा जो मीटिंग बुलाया गया उसमें पूछा गया कि शिक्षकों के द्वारा पूछा गया कि ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा कि नहीं, पहला बात, क्योंकि सरकार जान रही है कि अगर हम ग्रुप डी की भर्ती देते हैं तो फिर वहां पर भी बवाल होना तय है, ठीक। तो इसलिए टीचरों के द्वारा भी पूछा गया तो रेलवे के चेयरमैन के लगभग यही रिप्लाई आया था कि ग्रुप डी में आईटीआई नहीं रहेगा। और जो साथी मेरे आईटीआई किए होंगे वो गुस्साइएगा मत, आपके लिए टेक्नीशियन की सबसे बड़ी भर्ती आने जा रही है। तो आईटीआई नहीं रहेगा क्योंकि आप 2018 का भर्ती देखे होंगे, उसमें आईटीआई नहीं था। 2019 में आईटीआई लगाया गया लेकिन सरकार को फिर पीछे हटना पड़ा, यानी बिना आईटीआई केवल 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये निकला कि जो आपका ग्रुप डी का भर्ती है उसमें आईटीआई लागू नहीं होगा, आईटीआई लागू नहीं होगा। इसलिए आप लोग के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, 4 चीज बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना है। दूसरा है कि इस पर कितनी भर्ती आ सकती है, तो आप देखते होंगे हर आरआरसी का डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता है कि लड़का सब इसको जॉब को छोड़ रहा है। तो ग्रुप डी की पोस्ट पर, जो आपका लेवल 1 की पोस्ट पर भर्ती आने जा रही है, लगभग आपका 80K से 100K के बीच में, यानी 80,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में ये भर्ती आएगी। ये भर्तियाँ कब आने जा रही है ये भी सबसे बड़ा अपडेट है। तो वो चेयरमैन के द्वारा क्या रिप्लाई दिया गया कि ये भर्ती जो आपका है 8 से 12 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा, ठीक। यानी कि इसी 8 से 12 दिन के अंदर में ये भर्ती आपको दिखाई दे देगा। जो ग्रुप डी के लिए मेरे भाई तैयार है, केवल 10 पास किए हैं, उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, सबसे बेस्ट सुनहराओं का। उसके बाद ये कहाँ से सब अपडेट मिला, आरआरबी पटना, ठीक। ये आरआरबी पटना के द्वारा ये सभी अपडेट मिला। इसलिए जो आईटीआई किए होंगे वो भी नफरत नहीं करना है, आपके लिए टेक्नीशियन एएलपी है, एएलपी में कम है, उसको बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है प्रोटेस्ट के द्वारा। उधर ट्विटर कैंपेनिंग हुआ है, टेक्नीशियन के लिए भी आपके आ रहा है। लेकिन जो ओनली 10th पास है, एकदम मिडिल क्लास के लड़के हैं, गरीब फैमिली से हैं, आईटीआई नहीं किए हैं, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, उनके लिए ग्रुप डी पर सबसे अच्छी भर्ती आने जा रहा है। इसलिए ये सब आपके लिए आज का बड़ी खुशखबरी था। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।